अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद नौरीन में आप सबको वेलकम है। आज हम आपको जो हमारे घर में दूध होता है उससे बलाई हम लोग जमा करते हैं और उसको फ्रीज़र करते हैं तो वो जमा हो जाती है, उससे घी निकाल किस तरह घी निकालते हैं, तो आज हम आपको वो बताएंगे कि हम जो घर की मलाई होती है उससे हम किस तरह घी निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 बॉल मलाई जमा थी, मैंने इसको कल रात भर बाहर निकाल के रखा है फ्रीज़र से। अब इसको मैंने एक पतीली में डाल लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करते हैं जो हमारे पास मलाई है। ये मलाई को हमने अच्छी तरीके से चमचे की मदद से मिक्स कर लिया है। वैसे तो जो हम लोग घी बनाते हैं तो बाज़ लोग ग्राइंडर का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसमें हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करूँगी। बाज़ लोग जो जग वाली मशीन होती है उसमें भी डाल के इसको करते हैं। अब मैं इसमें ठंडा पानी ऐड कर दूँगी, फुल चिल पानी है ये। इसको ऐड करके मैं पानी को मलाई में को अच्छी तरह घुमाऊँगी चमचे की मदद से सारे, ताकि सारा जो मक्खन है वो ऊपर आ जाए। मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर है, अब मैं इसको इस मलाई में चलाऊँगी ताकि जो हमारा मक्खन है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए और जो पानी हमने डाला है वो नीचे रह जाएगा और जो मक्खन बनेगा वो सारा ऊपर आ जाएगा। इसको आपने अच्छी तरह चलाना है और पानी जो हमने इसमें डालना है तो फुल चिल डालना है, क्योंकि गर्मियां हैं इस वजह से हमें इसमें खूब तेज़ ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। अगर सर्दियां हों तो आप लोग जो अपना नॉर्मल नल का पानी, केन का पानी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमने हैंड ब्लेंडर की मदद से जो ये मक्खन ब्लेंड किया है तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये सारा पानी अलग हो चुका है और मक्खन जो है सब वो ऊपर आ चुका है। अब हम इस पानी को इसमें से रिमूव कर देते हैं। मक्खन में जो पानी था वो हमने रिमूव कर दिया है और ये देखिए हमारा कितना अच्छा मक्खन तैयार हुआ है। अब हम इसको अपने फ्लेम पे रखते हैं। ये मैंने मक्खन को अब चूल्हे पे रख दिया है और इसको जब तक इसमें हम लोग चमचा चलाएंगे जब तक के ये मलाई पूरी तरह पिघल नहीं जाती। ये हमारा मक्खन बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, हमारा मक्खन ये बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक के इसका मक्खन का खोया बन जाएगा और इसका जो होगा घी वो ऊपर आ जाएगा। इसको हमने जब तक पकाना है और मुसलसल आपने थोड़ी देर बाद चमचा चलाते रहना है ताकि घी नीचे लगे नहीं। ये देखिए ये हमारा घी रेडी हो रहा है और ये देखिए इसमें ये खोया बनना शुरू हो चुका है। आपने हर थोड़ी देर बाद इसमें चमचा चलाते रहना है। अब हमारा घी बनना बिल्कुल रेडी हो चुका है और आप बिल्कुल इस स्टेज पे आपने बिल्कुल चमचा चलाते रहना है जब तक के घी ऊपर नहीं आ जाता। ये देखिए ये खोया अलग हो गया है और घी ऊपर आ गया है और हमें जब तक चमचे चलाते रहना है इसमें जब तक ये खोया बिल्कुल गोल्डन कलर का नहीं हो जाता। ये हमारा देसी घी बिल्कुल रेडी हो चुका है और जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता हम इसको ऐसे ही पतीली में रहने देंगे। थोड़ा जब ठंडा हो जाएगा ये तो हम इसको स्ट्रेनर की मदद से एक बॉल में छान लेंगे।
ये हमारा देसी घी रेडी हो चुका है और मैंने इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लिया था।